उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यह मेमोरी जिससे भी कॉन्टैक्ट कर खाते से ही मिलकर बन गई। यह मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में अलग से लगाया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इस मेमोरी में डेटा और इंफॉर्मेशन सब यूज संग्रहित होता है, लेकिन यह प्राइवेट मेमोरी जैसा नहीं होता कि पावर ऑफ होने पर या हम लोग सिस्टम बंद करने पर डिलीट हो जाता है। यह मेमोरी में डेटा इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा तब तक स्टोर रहता है। जब सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से महंगी तथा कैश मेमोरी से सस्ती होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, फिक्स्ड डिवाइस, इमोबाइल डिवाइस। इमोबाइल डिवाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीवीडी डिस्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमोबाइल डिस्क, पेन ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क। आप लोग का मन में क्वेश्चन यह उठता होगा कि यहाँ फिक्स डिवाइस है क्या और रिमूवल डिवाइस है क्या। तो फिक्स डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप लोग का हार्ड डिस्क या सीडी डीवीडी बराबर सिस्टम से तो निकाले या लगा नहीं सकते हैं। इस सिस्टम में हार्ड डिस्क को यह नहीं होता है कि आप यूज करने के लिए लगाएं और फिर यूज हो जाने के बाद निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी को हमेशा के लिए कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका रिमूवल डिस्क, यह एक ऐसा डिस्क होता है जिसको हम लोग आमतौर पर यूज करने के लिए अपने सिस्टम में लगाते हैं हम और यूज हो जाने के बाद अपने सिस्टम से निकाल देते हैं। जैसे पेन ड्राइव में हम सिस्टम में सॉन्ग डालने के लिए या किसी भी प्रकार के वीडियो डालने के लिए, या पेन ड्राइव में हमारे पास वीडियो पहले से हैं तो उसको हम प्ले करने के लिए कंप्यूटर में लगाते हैं। ब्लू रे डिस्क उसी प्रकार पेन ड्राइव का टाइप अब हो गया भाई, रहने दो, कितना बोलोगे, अरे हो गया रहने दो। उसके बाद हम लोग आप लोगों को कोई भी प्रकार का इसमें क्वेश्चन हो, एक ही काम जो भी कोई भी समझ में आई हो तो आप लोग खड़ा पूछ सकते हैं, हम लोग बताएंगे। इसमें कोई भी यह है कि इसमें कोई भी आप छोटा से छोटा ऑप्शन में कोई भी आप लोग पूछ सकते हैं खड़ा, कोई भी पर हम लोग आपको बताने के लिए तैयार है। वो एथी मेमोरी के बाद पेन ड्राइव के बाद क्या बोले, इधर वाला नहीं, ये वाला इधर नहीं नहीं इधर वाला इधर वाला वो समझ में नहीं आया उसके क्या, उसके नीचे, हाँ उसके नीचे इधर वाला, हाँ इधर और इधर ब्लू रेडिस के मुझे नहीं सोए थी आते जब क्या बोल रहे, मतलब समझ में सुन नहीं थे। जैसे मैं आप पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाते हैं और यूज हो जाने पर आप निकाल सकते हैं, उसी प्रकार आप ब्लू रे डिस्क को भी यूज करने के लिए आप सिस्टम में लगाएंगे और यूज हो जाने के बाद आप ब्लू रे डिस्क को निकाल सकते हैं। या हार्ड डिस्क जैसा मेमोरी नहीं होता है तो उसमें आप यूज नहीं करते बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। तो मेमोरी आपका तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तथा कैश मेमोरी। कैश आपको डायग्राम में दो ही मेमोरी दिखाया गया तो हम दो ही मेमोरी को ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आपको उसके बाद हम लोग आप लोग को बता देते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता क्या। तो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जैसे हम लोग आप लोग को पता है कि प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी, टेम्पोररी आप लोग समझते हैं जो कोई भी प्रकार के लिए स्थित नहीं होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। अरे यूज कर रहे तो और सेकंड मेमोरी है जो इसको कंप्यूटर सिस्टम में आप अलग से लगाए जाते हैं या आपको कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ नहीं आता है, आपने से लगाया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क को आप अलग से लगाते हैं, यही हुआ आपका सेकंड मेमोरी हो गया।
हो गया समझ में आ गया। हम चाह होगा अभी हमने इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग जितना समझाए हैं उन्हें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना। तो हम लोग को कोई भी गलती हो तो आप लोग यहाँ पे आकर उससे भी अच्छा बता सकते हैं। माइक्रोफोन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके सेम टेलीफोन के थ्रू काम करता है। इसमें टेलीफोन में दिक्कत यह है कि आपको जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में बात करने में मदद करता है, लेकिन आपका माइक्रोफोन बात इसे नहीं कर सकते। इसको डिजिटल सिग्नल होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है, उसके माध्यम से आप इसका यूज कर सकते हैं।